आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जहां पूरे प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, शेखावटी की सबसे चर्चित सीकर लोकसभा सीट पर भी चुनाव पर चढ़ चुका है। सीकर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सांसद सुमेधानंद सरस्वती को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के लिए सीकर सीट को छोड़ दिया है। गठबंधन की ओर से मपका प्रत्याशी अमरा राम चुनावी मैदान में है। सांसद सुमेधानंद सरस्वती के पिपराली स्थित वैदिक आश्रम पहुंचने हैं एनडीटीवी संवाददाता जगदेव सिंह। चुनावी रणनीति को लेकर उन्होंने क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। एनडीटीवी के विशेष कार्यक्रम उम्मीदवार घर से है के तहत आज हम सीकर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सांसद सुमेधानंद सरस्वती जी के आश्रम पिपराली पहुंचे हैं और हम सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी जो तीसरी बार लगातार भाजपा की ओर से प्रत्याशी है, हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से चुनावी व्यवस्था के चलते उनकी दिनचर्या है और किस तरह से वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ में जो है आगामी दिन की और चुनावी रणनीति तैयार करते हैं। जी स्वामी जी बताएं किस तरह से दिनचर्या रहती है पहले की बजाय। सादर नमस्कार। पहले मैं प्रायः लगभग 11 बजे तक जागता था, लोगों से मिलने जुलने का कार्यक्रम रहता था। अब समय थोड़ा सा रात को 12-1 बज जाता है, लेकिन वही मेरा 4 घंटे के सोने का होता है। लगभग 5:30 बजे के आसपास उठ करके अपनी दिनचर्या करके और फिर जो आश्रम की व्यवस्थाएं मेरी जो रहती हैं, थोड़ा बहुत ध्यान मेडिटेशन करना, फिर गौशाला में गायों की सेवा करना और उसके बाद में फिर मुझे स्नान आदि करके जो कार्यकर्ता आते हैं उनसे मिल करके और किन को कहाँ भेजना है। रात को देरी होने के कारण कुछ कार्यकर्ताओं से तो मैं मिलता हूँ, लेकिन सबसे रात को मिलना संभव नहीं होता क्योंकि 12 बज जाते हैं, उनको सोना भी होता है, अगले काम पर भी जाना है। सुबह फिर मैं उनसे चर्चा करके और अपने अपने काम पर लगा देता हूँ। ये मेरी दिनचर्या रहती है। तो अब चुनावी व्यवस्था के चलते इस पर कुछ असर पड़ा है, जैसे आप गौ सेवा भी करते हो, यहाँ पे जो पेड़ पौधे भी हैं, हवन पूजन है, तो उसमें किस तरह से समय मिल पाता है आपको? नहीं, ये स्वाभाविक बात है कि चुनावी व्यस्तता के कारण जितना समय मुझे देना चाहिए इन कामों में उतना नहीं दे पाता हूँ, परंतु मेरे जो आवश्यक हैं जैसे संध्या उपासना है, थोड़ा बहुत योग प्राणायाम है, उसको मैं नहीं छोड़ता हूँ। वो आवश्यक है शरीर के लिए भी, मन बुद्धि आत्मा के लिए भी, और आदमी जब तक मानसिक दृष्टि से संतुष्ट नहीं रहता है तब तक वो काम नहीं कर पाता है, तो वो बहुत आवश्यक है, उसको मैं नहीं छोड़ता हूँ। और गायों के लिए तो मैं नित्य प्रति मेरा 10 मिनट का, 15 मिनट का, पहले आधा घंटा देता था, आजकल 10 मिनट का समय मैं देता हूँ। अब बात करें जैसे प्रतिदिन आप चुनाव में व्यस्त रहते हैं, कितने गांव में लोगों से जनसंपर्क हो पाता है आपका? लगभग हम जब से चुनाव अभियान शुरू किया है तो 25 से 26 पंचायतें हम अटेंड कर रहे हैं, बीच में और भी कुछ मिलने के कार्यक्रम हो जाते हैं, तो 30 के आसपास कार्यक्रम आप नित्य प्रति मेरे मानिए। सुबह हम 8 बजे शुरू कर देते हैं और रात को ठीक 10 बजे तक, क्योंकि 10 बजे हमारा आदर्श आचार संहिता की पालना करना हमारा कर्तव्य है और मैं इसको कठोरता से पालन करता हूँ कि 10 बजे के बाद हम माइक नहीं बजाते हैं। उसके बाद इंडिविजुअल जो लोगों से मिलना होता है, व्यक्तिगत मिलना होता है, वो घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना भी समय होता है मैं मिलता हूँ, करता हूँ। किस तरह का जो है सहयोग मिल रहा है लोगों में? बहुत उत्साह है और जो काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, भाजपा सरकार ने किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और मैंने जो यहाँ पर काम किए हैं और लगातार 10 साल लोगों के बीच में रहा हूँ, उससे लोग सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं और लोगों में उत्साह है। मैं जहाँ भी जाता हूँ बड़ी संख्या के अंदर लोग, कार्यकर्ता जितने भी हैं पार्टी के और आम आदमी जनता, मैंने जितने भी विधानसभाएं कवर किए हैं उनमें अच्छा उत्साह दिखाई दे रहा है और उससे स्पष्ट है कि पिछली बार जो हमारा चुनाव था 3 लाख का, उससे पीछे हम नहीं रहेंगे, उससे ज़्यादा ही वोट आएंगे। बात करें चुनावी व्यवस्था में तो आपके खाने पीने की किस तरह से व्यवस्था रहती है, किस तरह से आप यहाँ खा के जाते हैं या कोई साथ में या आगे कोई व्यवस्था? ये मेरा शुरू से ही स्वभाव है कि मैं सुबह 8 बजे के आसपास, 7:30-8 बजे के बीच में नाश्ता ले लेता हूँ। दिन में हम जहाँ भी कहीं कार्यक्रम होता है या तो टिफिन साथ ले लेता हूँ, बाकी कार्यकर्ता होते हैं, या फिर किसी कार्यकर्ता के यहाँ बैठ करके भोजन ले लेता हूँ दोपहर को, बाकी दिन पर व्यवस्थाएँ रहती हैं। बात करें आपके चुनावी मुद्दों की तो इस बार चुनाव कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, मुद्दे तो विकास के हैं और हमारा विजन विकास है। जब तक देश विकास नहीं करेगा, प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है देश को 1 नंबर ताकत बनाना,
देश को आर्थिक स्थिति से 2027 तक तीसरी शक्ति बनाना, हम 11 से 5 पर ले आए हैं। तो ये जो विज़न है ये तभी हो पाएगा जब विकास होगा, सद्भावना आपस में भाईचारे की रहेगी, विकास होगा, सबका साथ सबका विकास। और सबका साथ और सबका विकास होता है तो विश्वास पैदा होता है। हम किसी आदमी के दुख में काम आएंगे, तकलीफ में काम आएंगे, तो उसका हमारे प्रति विश्वास बनेगा। तो विश्वास एक दूसरे के ऊपर होगा और मोदी जी के प्रति लोगों में विश्वास भाव पैदा हुआ है और बहुत ज़्यादा हुआ है, पहले से अधिक हुआ है। ये तय हो गया लोगों के दिमाग के अंदर कि मोदी जी और मोदी जी की सरकार ही आम आदमी का, गरीब, कल्याण, मजदूर, महिला, युवा, इनका भला कर सकती है। ये लोगों के दिमाग में अच्छी तरह बैठ चुका है। ये थे भाजपा प्रत्याशी सांसद सुबेदानंद सरस्वती जी, जिन्होंने बताया कि विकास के मुद्दों को लेकर के ये जनता के बीच लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। इसके साथ में ही इनकी दिनचर्या में कोई विशेष ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, जो इनकी दिनचर्या थी प्रतिदिन की उसी के अनुसार अभी भी ये दिनचर्या को कायम रख रहे हैं। इनके जो सहयोगी है, जो इनके साथ रहने वाले कार्यकर्ता और आश्रम में रहने वाले जो लोग हैं, उनसे जानेंगे कि स्वामी जी की किस तरह से प्रतिदिन की जो दिनचर्या रहती है और किस तरह से वो पूजा पाठ के लिए समय दे पाते हैं और किस तरह से जो है आगामी रणनीति तैयार करते हैं। जी साहब, अपना नाम बताएं। हाँ, सत्यवीर सिंह है। क्या दिनचर्या रहती है स्वामी जी की? स्वामी जी की आज से नहीं, 20-25 साल से तो मैं लगातार ही देख रहा हूँ कि एक तो सुबह का इनका उठने का जो समय होता है वो लगभग 5 बजे के करीब हमेशा ही उठ जाते हैं। बाद में अपना आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, वो करते हैं। फिर हम लोग जब ये बाहर आते हैं उसी समय इनसे नमस्ते प्रणाम होता है। बाद में दिन के जो कार्य जो करने होते हैं उनके बारे में चर्चा सुबह सुबह ये कर लेते हैं। और आज से नहीं, ये शुरू से ही स्वभाव है। फिर अपने अपने काम में सब लोग लग जाते हैं। बीच में भी अगर कोई काम बताना हो तो वो बाद में बता देते हैं। चुनाव का समय है, फिर भी इनकी जो दिनचर्या है वो बड़ी संयमित रहती है और बड़ी ही नपीतुली भाषा में हमारे से बात करते हैं और सभी लोगों को यहाँ जो भी आता है उससे बड़े प्यार और प्रेम से उनको संतुष्ट करके यहाँ से भेजते हैं। इनके खाने पीने की क्या व्यवस्था रहती है? आप इनके साथ रहते हैं। खाने पीने की तो ये सुबह सुबह अपना नाश्ता करते हैं, बाद में दोपहर में। इनके ये भी नहीं है कि मेरे को कोई बढ़िया भोजन चाहिए। किसी भी कार्यकर्ता के यहाँ अगर जाते हैं तो वहीं पर अपना दो रोटी खा लेते हैं। और आश्रम में भी हमारा एक ही चूल्हे पर सबका भोजन यहाँ होता है। साधारण जो रसोई में बनता है वही खाते हैं सभी लोग यहाँ। आप बताएं भाई साहब, किस तरह से महाराज के साथ चुनावी चर्चा होती है? हमें नाइट को, शाम को ही हमें दिशा निर्देश मिल जाते हैं कि हमारा शेड्यूल है, जिन जिन गाँवों में हमारे को 20-25 पंचायतों में हमें जाना होता है, हेडक्वार्टर पर हम टच करते हैं और वहाँ के युवाओं के लिए स्वामी जी ने निरंतर कार्य किया है और बहुत सी पंचायतों में जिम देने का काम किया है। हमारे जो स्टेडियम में, खेल स्टेडियम में जिला जो सिंथेटिक ट्रैक है और जो मैदान में कार्य किया है उसके हिसाब से हमारे साथ में युवाओं की टीम भी निरंतर साथ रहती है। अगले दिन का जो कार्यक्रम तय किया जाता है तो वो कितने लोगों के साथ में बैठ करके स्वामी जी चर्चा करते हैं? किस तरह से आगामी दिन का जो है कार्यक्रम तय होता है कि कहाँ कहाँ और कौन कौन से गांव में जाना है? वो पार्टी के जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में होता है और वहाँ के जो जितने भी जिस क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं उनको पूछ करके किया जाता है। हमारे साथ उनके निजी सचिव सुरेश जी यादव भी है, हम उनसे भी जानेंगे कि प्रतिदिन का स्वामी जी का क्या रूटीन रहता है, किस तरह से दिनचर्या रहती है और कितने गांवों में ये संपर्क करते हैं। जी, प्रतिदिन हमारा स्वामी जी 5 बजे उठ जाते हैं। 5 बजे उठने के बाद जो भी दिनचर्या करके 6 बजे तैयार हो जाते हैं। 6 बजे तैयार होकर लोगों से मिलना, उनके लोग यहाँ जाते हैं आश्रम में, उनकी समस्याएं सुनना। फिर इसके बाद में 8 बजे के लगभग हम जो भी विधानसभा हमारा दौरा होता है 8 बजे 8:30 बजे पहुँच जाते हैं और प्रत्येक ग्राम पंचायत जो जिस क्षेत्र की निर्धारित है उनमें स्वामी जी दौरे करते रहते हैं। तो ये थे स्वामी जी के सहयोगी, जिन्होंने बताया कि स्वामी जी की प्रतिदिन की क्या जो पूरा दिन का शेड्यूल रहता है, किस तरह से पूजा पाठ सुबह उठकर करते हैं और रात को लगभग देर रात जब भी पहुंचते हैं तो कार्यकर्ताओं के साथ में भी वो चर्चा करते हैं और आगामी दिन की जो है रणनीति तैयार करते हैं। सीकर से NDTV के लिए जगदेव सिंह।